ये जो पानी गिरने के बाद पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, पता नहीं उस पानी में तेजाब थी क्या, वो रिएक्शन हुआ, पता नहीं क्या पूरे आष्टा क्षेत्र क्या आसपास बहुत बड़े क्षेत्र की फसल बर्बाद हुई है। सारी फसल सूख गई है, सड़ गई है, नीचे पड़ गई है, फल सारा सूख गया है, 100% सोयाबीन जल चुका है और पूरा नुकसान हो चुका है। मांग ये की गई है कि आप जो सोयाबीन का सर्वे कराएं, पटवारी को भेजें, RI को भेजें, नायब तहसीलदार साहब आएँ, SDO साहब आएँ, कलेक्टर साहब आएँ, मंत्री आएँ, संतरी आएँ, विधायक आए, सांसद आए, मुख्यमंत्री आए, किसानों की पीड़ा समझे, किसानों को मुआवजा दिलाएं। किसानों पर ये बीती है कि आज बर्बाद हो गया किसान, रोने को उसके पास पैसा नहीं है। पूरा 100% गए मरता शिवराज सिंह जब विपक्ष में थे, उनका एक उन्होंने वीडियो जारी किया है कि मैं 40,000 रुपये प्रति हेक्टर आपको मुआवजा दिलाऊंगा। अब आके वो देख ले, 40,000 रुपये हेक्टर का हमको मुआवजा और बीमा चाहिए, आप खेत देख लो सब। हमारी सांगा खेड़ी, चनोठा खड़ी, खामखेड़ा, आज हजारों की तादाद में किसान आए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। अति शीघ्र बिल्कुल देखें और 100% का मुआवजा दिलाएं। मेरा पत्रकार साहब ये आपसे कहना है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक आपके क्षेत्र में कोई सर्वे किया या नहीं किया? नहीं किया। अभी तक कोई नहीं आया है। SDO साहब से मेरी अभी बात हुई है कि उन्होंने हम 26 से 31 तारीख के बीच गांव-गांव डोंडी पोटाएंगे, जिसका बीमा भी नहीं है वो बीमा करा लो और बाकी का हम इसका सर्वे कराएंगे, पर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला है। कलेक्टर महोदय बुधनी उनकी विधानसभा गृह विधानसभा में जाते हैं, इधर सर्वे नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? कोई प्रशासनिक अधिकारी इधर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इस विधानसभा में क्या कारण है? कहना ये है कि कलेक्टर पूरे सीहोर जिले का होता है, कलेक्टर को पूरा सीहोर जिला देखना चाहिए, ये नहीं कि बुधनी और नसोलागन। आज किसान बर्बाद हुआ है, कलेक्टर की ओर देख रहा है, मुख्यमंत्री की ओर देख रहा है, सांसद की ओर देख रहा है, विधायक की ओर देख रहा है, पर अभी तक कोई किसी ने सुध नहीं लिए। आज सारे किसान आ रहे हैं, दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा, वो दिन भर लोग आते रहेंगे, बर्बाद हो गए हैं किसान। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, आप मौके पर आए, SDO साहब को भेजें, तहसीलदार साहब को भेजें, RI साहब को भेजें, पटवारी साहब को भेजें, बर्बाद की कगार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।